आपका लोगो आपका ब्रांड नहीं है, सोचिए आप जो भी बेच पा रहे हैं बेच रहे हैं, अगर आप उसका लोगो छिपा दे तो क्या लोग उसको पहचान पाएंगे? अगर आप मैकडोनल्ड्स से फ्रेंच फ्राइज हटा दे या एप्पल के आईफोन से उसका लोगो हटा दे तो क्या लोग पहचान पाएंगे? बिल्कुल पहचान पाएंगे कि ये मैकडोनल्ड्स का फ्रेंच फ्राइज है या एप्पल का आईफोन है। ब्रांड सिर्फ एक लोगो से ज़्यादा होता है। ब्रांड को दूसरे प्रोडक्ट सर्विसेज या कॉन्सेप्ट्स को आसानी से अलग बताया जा सकता है। और अगर लोग आपके ब्रांड को अलग नहीं कर पा रहे हैं तो असल में आपका कोई ब्रांड है ही नहीं। यहाँ तक कि कुछ बड़ी कंपनियाँ जैसे हयात का भी कोई ब्रांड नहीं है। उनके होटलों के गलियारों में चलिए आप, आपको पता नहीं चलेगा कि आप मैरियट में हैं या हिल्टन में हैं या हयात में। लोगो ही एकमात्र कारण है जिससे आपको पता चलता है कि आप किस होटल में हैं। अपना ब्रांड बनाने के लिए आपको ये तीन चीज़ें या तीन सवाल पूछने चाहिए अपने आप से कि आपके ब्रांड का मकसद क्या है। मेक श्योर पीपल टू नो व्हाट योर कंपनी स्टैंड्स फॉर, ठीक है, आपकी कंपनी किस चीज़ के लिए खड़ी है। आपने अपने ग्राहकों से क्या वादे किए हैं, प्राइस, क्वालिटी और इवन कंपनीज वैल्यूज़ के बारे में आप उनको बता सकते हैं और उनको जो है उनका पालन भी कर सकते हैं। आपकी अलग पहचान है, डू यू हैव अ वेल डिफाइंड आइडेंटिटी, आपको कुछ ऐसा चाहिए जो आपके ब्रांड को पहचानने योग्य बनाए, जैसे कि कोई यूनिक इमेज या कोई यूनिक पर्सनालिटी, ठीक है, तो इसको आपको याद रखना चाहिए।